आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के मोहना गांव में ग्रीन एक्सप्रेसवे का उतार चढ़ाव ने दिए जाने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पृथला के पूर्व विधायक टेक चंद्र शर्मा ने सरकार के खिलाफ खोले बगावत के स्वर। आपको बता दें कि लगभग 2 महीने पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक कार्यक्रम के दौरान पनहेड़ा गांव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ग्रीन एक्सप्रेसवे के उतार चढ़ाव मोहना पर देने की बात कही थी। परंतु अब विभाग के अधिकारियों और कुछ राजनेताओं ने की मिलीभगत से मोहना की जगह फरहदा पर उतार चढ़ाव ग्रीन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। हमारे विधायक जी ने किस बात को लेकर हमारे धरने को कामयाब करने के लिए अपनी नेक कमाई में से 10,000 रुपए का योगदान दिया है। एक बार उनका स्वागत में जोरदार तालियों से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी का, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कट देने के लिए तो मुख्यमंत्री ने कहा, और हमारे बीच में तेवतिया जी आए हैं अपने साथियों के साथ, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो इसलिए धरने में बैठे हो? धरने बैठे। कब तक चलेगा धरना भैया? महीना। क्या नाम है आपका? मनोज रावत। मनोज जी, धरने में बैठे हैं मोहना गांव में, क्या वजह? सबसे बड़ी कि यहां से जो जेवर एक्सप्रेस वे के लिए ग्रीन फील्ड जी जेवर एयरपोर्ट के लिए, और 47 से एक अनुरोध हो रहा है, अगर कोई वक्ता बीच में बोल रहा हो खुद ने ना यू धरना किसी पार्टी का नहीं है, ये धरना कट देंगे कर्म समाज को 36 तारीख को, तो को बीच में मतलब बोलने को नकाराजी, अगर कहीं बोलने के बाद बोल ले, पर बीच में मतलब कोई कट नहीं दिया, मतलब खड़े है क्या बात? इसीलिए है कि कुवे चलेनो कटी पर अपनी नहीं कर संजीव तेवतिया जी है सीई से, रेखा जी हमारे बीच में है धरना स्थल पर, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तेवतिया जी का। हमारी मांग करवा लो कट को लेकर है, हमें यहाँ पर जो जेवर हाईवे बना हुआ है इस पे हमें कट चाहिए मोहना के लिए, तो उसी के लिए हमने ये धरना प्रदर्शन किया। पहले इन्होंने पनेड़ा में घोषणा करी थी सीएम साहब ने कि मोहना में कट दिया जाएगा, लेकिन किसी कारणवश या उनकी कोई जान बूझ के उसे कैंसिल कर दिया गया। घोषणा होने के बाद अब उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया, तो हम उसी के कट के लिए यहाँ पर बैठे रहेंगे। विधायक साहब, मोहना गांव में धरने पर समर्थन करने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? ये धरने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज विषय ये नहीं है कि धरने पर क्यों पहुंचे हैं, विषय ये है कि चाहे चंदावली में फ्लाईओवर का मतलब चंदावली के अंदर पुल की बात हो, चाहे मेंढकोला में बात हो, चाहे आपके टोल की बात हो, सब जगह ही जब क्यों सॉल्यूशन होते हैं जब धरना शुरू होते हैं। 3 मई 2022 को मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा की थी कि मोहना के अंदर जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उस पर कट दिया जाएगा, और आज कट की समस्या को लेकर के यहाँ पे लोग परेशान हैं। आज ये जब मान लो इसका ड्राइंग बदल रहा ही जा रहा है, कि आज बता रहे थे अभी कि 9 किलोमीटर तो पहले कर दिया था एलिवेटेड उन्होंने, 8 किलोमीटर और बढ़ाने की बात हो रही है, 17 किलोमीटर जब एलिवेटेड बनेगा तो इसमें कट में तो कोई दिक्कत है नहीं, जमीन एक्वायर ऑलरेडी पुरानी हुई पड़ी है, तो किसी का व्यक्तिगत वो नुकसान तो है नहीं, ना सरकार का नुकसान है, उल्टा नुकसान तो एलिवेटेड से होगा कि एलिवेटेड पुल बनने के बाद जिसको मुआवजा वो दे चुके हैं क्या उसको मुआवजे को वापस ले सकते हैं?